तो तालिबान से लोहा लेते शहीद हुआ है एनआरएफ का फाइटर और पंजशीर के लिए ये शहीद हो गया है फरशीद जान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो शहीद हुआ एनआरएफ का फाइटर फरशीद जान का नाम बताया जा रहा है। तस्वीर भी देखिए, यही तस्वीर है फरशीद जान की जो तालिबानियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया, क्योंकि कसम खाई है कि तालिबान को हरा देना है। तो क्या आप पंजशीर घाटी के बारे में ये जानते हैं कि ना सिर्फ आज बल्कि 20 साल पहले भी तालिबान इस पर कब्जा नहीं कर पाया था। इतना ही नहीं, किसी शक्तिशाली देश की सेना भी पंजशीर पर फतह नहीं कर पाई है। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पंजशीर क्यों बन रहा तालिबानियों की कब्रगाह? बीस साल बाद भी अभेद्य घाटी पर कब्जा क्यों बना सपना? आज सबसे बड़ा सवाल है, पंजशीर से तालिबान को डर क्यों लग रहा है? क्यों उसके लड़ाकों की कब्रगाह बन रहा है पंजशीर? तालिबान आज अपनी सरकार बनाने जा रहा है इस ऐलान के साथ कि अफगानिस्तान में इस्लामिक राज और शरिया कानून ही सबसे ऊपर होंगे। तालिबान के बर्बर इरादों के आगे अफगानिस्तान के कई सूरमाओं ने घुटने टेक दिए हैं। अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पर तालिबान कब्जा जमा चुका है, लेकिन पंजशीर फतेह अब भी उसके लिए सपना ही बना हुआ है। पूरे अफगानिस्तान पर राज करने के लिए तालिबान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, पर उसकी हर कोशिश न सिर्फ नाकाम हो रही है बल्कि उल्टे तालिबान बुरी तरह पिट रहा है। 20 साल पहले भी जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ था, उस वक्त भी वो इस प्रांत पर अधिकार नहीं कर पाया था। सवाल उठता है, पंजशीर घाटी अभेद्य क्यों है? तालिबान के लिए बने इस यक्ष प्रश्न का जवाब शायद एक बार फिर आज उसके लड़ाके और उसके कमांडर्स ढूंढ रहे होंगे। हम आपको बताते हैं इसका राज। दरअसल ये इलाका अपने आप में बाहरी दुनिया के लोगों के लिए अबूझ पहेली जैसा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी की तलहटी में बसा है पंजशीर। घाटी में घुसने का एकमात्र रास्ता काफी संकरा है। ये संकरा रास्ता पंजशीर नदी से गुजरता है। दुर्गम और जटिल घाटियों, नदी नालों की जानकारी बाहरी को नहीं, सिर्फ स्थानीय कबीले संकरे रास्तों से वाकिफ हैं। कबीले लड़ाकू गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में भी माहिर हैं। ऊंचे टेरेन का फायदा उठाते हैं पंजशीर के लड़ाके। कम हथियार और गोला बारूद होने के बावजूद कबीलों की मजबूत पकड़ है। आक्रमणकारियों के लिए कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक बनती है बड़ी मुसीबत। वॉर कोऑर्डिनेशन और ओवरऑल कमांड में आती है दिक्कतें। इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद मसूद को तालिबान के खिलाफ जंग के लिए कई देशों से मदद मिल रही है, और इन सब से बढ़कर पंजशीर के बच्चे बच्चे में दुश्मन के दांत खट्टे करने का जज्बा है। यही वजह है कि पंजशीर अफगानिस्तान का ऐसा प्रांत है जिसे सोवियत रूस, अमेरिका या ब्रिटेन भी कभी अपने अधीन नहीं कर पाए, ना ही 1990 के सिविल वार में इस प्रांत को जीता जा सका। एक बार फिर संपूर्ण अफगानिस्तान पर राज करने के लिए तालिबान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब तक जिस तरह उसे नाकामी हाथ लगी है, उससे लगता है कि पंजशीर फतेह का सपना उसके लिए काल न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।